दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 27 फरवरी 2019, और कल के लिए यानी 28 फरवरी 2019 गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए मैंने 3 स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है अपने 3 स्टार सेक्शन में। उसे किस लेवल पे बाय करना है और यहाँ पे किस लेवल पे बाय करना है, मतलब आज सिर्फ बाय ही करना है। मैं सिर्फ आज एक चीज कर रहा हूँ कि आप लोगों को 3 स्टॉक जो मैं देता हूँ 3 स्टार सेक्शन में, तो 2 स्टॉक मैं बाय के दूंगा और 1 स्टॉक सेल कर दूंगा। तो जिसमें मैं बाय का लेवल दूंगा उसमें सिर्फ बाय का ही लेवल रहेगा, सेल का लेवल नहीं रहेगा, और जिसमें सेल का लेवल दूंगा सिर्फ सेल का लेवल होगा, बाय का लेवल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आज मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को 3 स्टॉक्स मिलेंगे हमेशा की तरह, लेकिन 2 बाय के लिए दूंगा और 1 सेल के लिए दूंगा। तो चलिए, उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। आज लाइव ट्रेड में आपने देखा, लाइव ट्रेड की वीडियो में देखिए, ये वीडियो बनाता हूँ मैं अपने लिए, बनाता हूँ, अपना पैसा लगाता हूँ, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखे। और जब एक मैं न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पे ट्रेड करने से परहेज करता हूँ, लेकिन जब पूरा मार्केट ही न्यूज़ बेस्ड हो, और जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। जब जब मार्केट में जैसे जैसे समय बीतेगा सारी चीज़ें उन लोगों को समझ में आ जाएगी कि जब पूरा मार्केट ही न्यूज़ बेस्ड होता है ना, तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं होता, फिर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय एक चीज़ को, अपने रिस्क को। तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल कीजिए और उस तरह की मार्केट में ट्रेड करिए, और जो रिस्क मिल रहा है, जो लॉस हो रहा है, उस लॉस को बुक करके घर पे चुपचाप से बैठे रहिए। तो ये चीज़ जितने अच्छे लोग समझ जाएँ, अच्छे जितने तेज़ी से, बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर कुंठित व्यक्तियों की कमी नहीं है, अपनी कुंठा निकालते रहें यहाँ आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए, हेटर्स लोगों को समर्पित है मेरे, इतना सा लाइन, लॉस तो लॉस को मैनेज कीजिए, रिस्क को मैनेज कीजिए। चलिए, हम लोग 3 स्टॉक देखते हैं, 2 स्टॉक बाय के होंगे, 1 स्टॉक सेल का होगा। दोस्तों, उन तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, जो स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ, उन तीनों स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि यहाँ मेरी कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैं जो भी यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ स्टॉक, सिर्फ अपना व्यू आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए, पहला स्टॉक है हमारा सीएट का। सीएट में मैं कोई पैटर्न नहीं बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा, सिर्फ मैं 2 स्टॉक बाय कर दूंगा, 1 स्टॉक सेल कर दूंगा। तो बाय सीएट मेरा बाय साइड का रहेगा, तो बाय साइड का जो लेवल है वो लेवल मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये लेवल मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सीएट को मुझे बाय करना है, और बाय का लेवल यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैं जरा बता भी देता हूँ कि बाय करना है सीएट को, जब ये 1110 के ऊपर निकलेगा तब, यानी 1110 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 1110, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1104 का, यानी 1104 का। फर्स्ट टारगेट होगा 1116 का, यानी 1116 का। दूसरा टारगेट होगा 1122 का, यानी 1122 का। और तीसरा टारगेट होगा 1128 का, यानी 1128 रुपये का। इस बात को याद रखिए, सिर्फ बाय साइड का है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नया सेक्शन शुरू करने जा रहा हूँ, आपके सवाल मेरे जवाब। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेरी आते थे, अब बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हो, चाहे वो किसी अपने टर्मिनल के बारे में हो, चाहे ऑर्डर लगाने के प्रोसेस के बारे में हो, यानी कुछ भी सवाल, कुछ भी जो स्टॉक रिलेटेड हो, आपके टर्मिनल रिलेटेड हो, और कुछ ऐसे पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में, मतलब जैसे कि अभी कुछ लोगों ने पूछा कि सर फायर्स में पिवोट पॉइंट कहाँ से लगाते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सर, किसी ने अभी पूछा जस्ट मुझसे कि इन्फीबीम का टारगेट क्या हो सकता है, मैंने इस लेवल पे ख़रीदा है, तो वो सवाल हो गए। इस तरह से बहुत से सवाल मेरे पास आते रहते हैं, उस सवाल का तो मैं जवाब दे पाता हूँ, बहुत सारे सवाल ऐसे निकल जाते हैं। तो उसका मैंने एक उपाय लगाया कि मैं एक सेक्शन ही बना रहा हूँ आपके सवाल मेरे जवाब करके। इसमें आपको करना क्या है, मुझसे जो भी पूछना है उसके में सबसे पहले, और ये सिर्फ आप शनिवार को कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप मुझसे सिर्फ शनिवार को ही सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब मैं रविवार को सुबह में दूंगा, ठीक है। एक वीडियो बना के सारे सवालों का जवाब दे दूँ, शनिवार को जितने भी सवाल आएंगे मेरे व्हाट्सएप पर, उस सारे सवालों को कलेक्ट करके उसका जवाब मैं रविवार को मॉर्निंग में वीडियो बना के डाल दूंगा। तो सवाल पूछने का जो तरीका है वो पहले बता देता हूँ, और एकदम दिमाग में रख लीजिए कि शनिवार को ही जितने सवाल आएंगे, सोमवार से शुक्रवार तक जो भी सवाल आप करेंगे उसको मैं इस सेक्शन में नहीं रखूंगा, उसका जवाब हो सकता है मैं ना दे पाऊँ, पर जो शनिवार को सवाल आएंगे मेरे पास उसका मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि रविवार को एक वीडियो बना के मैं सारे सवालों का जवाब दे सकूं। तो सवाल पूछने का जो तरीका है
सबसे पहले उसे समझ लीजिए कि पहले आपको लिखना है सवाल, SAWWAL, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पहले मैसेज में टाइप करना पड़ेगा, SAWWAL, सवाल, ठीक है। ये जब लिखेंगे उसके बाद स्पेस दीजिएगा, स्पेस देने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, जैसे अभी किसी ने पूछा कि सर पिवोट पॉइंट फायर्स में कैसे लगाते हैं, तो पहले आपको इन भाई साहब को लिखना था, कैसे लिखेंगे वो सवाल लिखेंगे, SAWWAL सवाल, स्पेस देके फिर लिखेंगे कि पिवोट फायर्स में पिवोट पॉइंट कैसे लगाते हैं, ये हो गया उनका क्वेश्चन। और उसके बाद अपना नाम लिखना है, और उसके बाद अपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिखना है, फिर शहर का नाम लिखना है, और उसे मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना है, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, 8709652195। तो इस तरह से सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये सैटरडे को ही भेजना है, ठीक है। ये सैटरडे को ही जितने सवाल आएंगे मैं उसका जवाब रविवार को मॉर्निंग में वीडियो बना के डाल दूंगा, सारे कलेक्ट कर लूंगा मैं शनिवार को सुबह से लेकर रात तक में जितने भी सवाल आएंगे सारे को कलेक्ट कर लूंगा, और मॉर्निंग में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में सारे सवालों का जवाब मैं डाल दूंगा। सवाल पूछने का तरीका मैं फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले लिखना है आपको SAWWAL सवाल, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन टाइप करना है, जो भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी स्टॉक का टारगेट पूछना है, स्टॉप लॉस पूछना है, किसी इंडिकेटर के बारे में पूछना है, किसी तरीके के बारे में पूछना है, प्रोसेस के बारे में पूछना है, जो भी आपके सवाल हो वो सवाल लिखिए, और अपना नाम लिखिए, शहर का नाम लिखिए उसके बाद, और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर 8709652195 पे भेज दीजिए शनिवार को, मैं रविवार को मॉर्निंग में उन सारे सवालों को कलेक्ट करके उसका जवाब दे दूंगा। तो ये वाले सेक्शन में शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग इसमें अपना सवाल भेज सकते हैं मुझे। और हमारा अगला स्टॉक है इसके बाद, हमारा अगला स्टॉक है इसके बाद सीएट के बाद हमारा अगला स्टॉक है कोलपाल का, ये भी हमारा बाय साइड का है, ठीक है। कोलगेट भी जो है हमारा बाय साइड का ही स्टॉक है, तो कोलगेट का जो बाय करना है, ये भी चार्ट है 5 मिनट का, इससे कोई मतलब नहीं, मैं कोई पैटर्न वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ लेवल आपको बता देता हूँ कि कोलगेट को हमें बाय करना है, ये बाय साइड का स्टॉक है। मैं पहले यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूँगा, दूसरा स्टॉक जो है हमारा कोलगेट का है, और ये मेरा बाय साइड का ये भी स्टॉक है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोलगेट को बाय करना है जब ये 1285 के ऊपर निकलेगा तब, यानी बाय अबव 1285, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1279 रुपये का, यानी 1279 का। फर्स्ट टारगेट होगा 1291 का, यानी 1291 का। सेकंड टारगेट होगा 1297 का, यानी 1297 रुपये का। और तीसरा टारगेट होगा 1303 का, यानी 1303 रुपये का। ये भी हमारा बाय साइड का, यानी दो स्टॉक बाय साइड के आपको मिल गए। तीसरा और अंतिम स्टॉक जो होगा दोस्तों हमारा सेल साइड का होगा, और वो होगा हिंद यूनिलीवर का। तो चलिए हम लोग हिंद यूनिलीवर का चार्ट भी खोल लेते हैं, और आपको यहाँ पे मैं बाइंग और सेलिंग का लेवल हिंद यूनिलीवर के मैं आपको बता देता हूँ। तो हिंद यूनिलीवर को जब हम लोग सेल करेंगे, सॉरी सिर्फ सेलिंग का लेवल बताऊंगा, बाइंग का तो नहीं, ये सेल साइड का स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे सेल साइड का स्टॉक आपको सेल के लेवल बता देता हूँ आपको कि सेल करना है हमें। यहाँ पे सेल के लेवल गिरा दिए मैंने, तो सेल करना है हिंद यूनिलीवर को, सॉरी यहाँ पे मुझे सेल बिलो लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ बाय अबव लिखा हुआ, यहाँ हमें सेल बिलो करना है ना, सेल बिलो, सेल बिलो हो गया, तो सेल बिलो करना है हिंद यूनिलीवर को, सेल बिलो 1728 यानी 1728 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1736 का, यानी 1736 रुपये का। और इस कंडीशन में पहला टारगेट होगा 1720 का, यानी 1720 का। दूसरा टारगेट होगा 1712 का, यानी 1712 रुपये का। और तीसरा टारगेट होगा 1704 का, यानी 1704 रुपये का। आप हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम कीजिए, और अगर न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, बाकी जहां जो भड़ास निकालना है निकालते रहिए। तो ये दो मेरे ट्रेड हुए, तीन ट्रेड मैंने आप लोगों को दिए हैं कल के लिए, सीएट पहला जो बाय साइड है, दूसरा कोलगेट कोलपाल हमारा है, कोलगेट पामोली वो भी बाय साइड का, और ये तीसरा हिंद यूनिलीवर का, ये सेल साइड का। तो दो बाय और एक सेल साइड का। अगर मेरे एनालिसिस तो पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि आज एनालिसिस किया ही नहीं, मैंने सिर्फ स्टॉक बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।